हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोकामना सॉफ्टवेयर में। चलिए आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आए हैं। देखिए, मेरे पास M01 मोबाइल है सैमसंग का, और इसमें लॉक लगा हुआ है। जब देख सकते हैं इसमें लॉक लगा हुआ है। अब इसका लॉक कैसे तोड़ेंगे, चलिए आप लोगों को लाइव दिखाते हैं इसका अनलॉक करके हम। कोई भी हो दोस्तों, इसको सबसे पहले हम बंद कर लेंगे, इसको पावर हम बंद कर लेंगे। देखिए इसका पावर में पासवर्ड मांग रहा है। तो दोस्तों इसको करना क्या है, इसको हम लगा लेंगे पहले चार्ज। देखिए अगर बंद नहीं हो रहा है ये, इसको हम चार्ज लगा लेंगे। चार्ज लगा लिए, इसका पावर और माइनस बटन दबाएंगे एक साथ। देखिए इसका हम पावर माइनस एक साथ दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, और बंद होने के बाद चार्जिंग सिंबल आ जाएगा। देखिए दोस्तों मेरा मोबाइल बंद हो गया और चार्जिंग सिंबल आ गया। तो देखिए अब इसको हमको करना क्या है, वॉल्यूम प्लस और पावर बटन एक साथ दबाना है। देखिए दोस्तों, हम वॉल्यूम पावरलेस और पावर एक साथ दबाएं। अब इसका ऑन होने के बाद हम पावर छोड़ देंगे, सिर्फ प्लस पकड़ के रखेंगे, प्लस पकड़ के रखेंगे। देखिए ये रिकवरी मोड में चला जाएगा, देखिए रिकवरी मोड में आ गया। तब रिकवरी मोड देखिए दोस्तों, अब इसको करने का यहाँ जाना है वाइप डाटा एंड फैक्ट्री से। यहाँ पर बोलो माइनस बटन से नीचे ऊपर करेंगे और पावर से ओके करेंगे। पावर से ओके कर दिया, अब देखिए नीचे फिर देना है कैंसल है फैक्ट्री डाटा, इसे देखिए फैक्ट्री डाटा रिसेट करेंगे। फिर इसको हम पावर दबाएंगे, पावर दबा दिए। अब देखिए मेरा फैक्ट्री डाटा रिसेट हो गया, यहाँ से लॉक वॉक जितना भी डाटा होगा सारा डिलीट हो गया। अब देखिए यहाँ हमको दोस्तों रिबूट सिस्टम नाउ कर देना है। देखिए इसको सिस्टम को रिबूट नाउ कर दिए हैं। तो बने रहिए दोस्तों मेरे वीडियो में, और देखिए कैसे M01 का आप लोगों को हम दिखाते हैं और इसका अनलॉक किया जाता है। FRP लॉक बाईपास, देखिए FRP भी दिखाएंगे आपको, और आपको फॉर्मेट का पूरा तरीका बताएं। फॉर्मेट हो गया और चालू होगा। देखिए मेरा मोबाइल 100% लॉक इसका टूट जाएगा और चालू होगा। देखिए मेरा मोबाइल चालू हो रहा है। देखिए दोस्तों मेरा फ़ोन चालू हो रहा है, सैमसंग M01। तो दोस्तों किसी भी मोबाइल को अनलॉक करने के लिए आप जिनमें थोड़ा ट्राई कर सकते हैं फॉर्मेट का। अगर गूगल अकाउंट आपको मालूम हो तो ही कीजिएगा, अगर गूगल अकाउंट मालूम नहीं है दोस्तों, गूगल अकाउंट भी FRP बाईपास करना पड़ता है। और देख सकते हैं दोस्तों मेरा फ़ोन चालू हो रहा है, इसे चालू होने देते हैं और फिर सेटअप मार के दिखाते हैं। तो दोस्तों अगर फ़ोन को सेटअप मारने से पहले ये चीज़ समझ लीजिएगा, अगर आपको फ़ोन मारना है तो इससे आगे का जो प्रोसेस है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर वो प्रोसेस नहीं देखते हैं तो आप ये फॉर्मेट मत कीजिएगा, नहीं तो आपको किसी सॉफ्टवेयर या किसी सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा, फ़ोन मोबाइल आपका फंस जाएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, आपको पूरा सेटिंग बता देंगे तो आप खुद से खुद कर सकते हैं। तो देख पूरा वीडियो कंटिन्यू देखें बिना स्किप किए हुए। तो देखिए अभी फ़ोन चालू हो रहा है, फिर आपको पूरा सेटिंग बता देंगे। देखिए दोस्तों मेरा फ़ोन चालू हो रहा है, अब सारा ऐप इंस्टॉल लेगा, कंटिन्यू देखें बिना स्किप किए हुए। तो देखिए अभी फ़ोन चालू हो रहा है, फिर आपको पूरा सेटिंग बताएंगे। रहेगा थोड़ा देर के बाद आएगा। देखिए दोस्तों मेरा फ़ोन चालू हो रहा है, अब सारा ऐप इंस्टॉल लेगा, सारा ऐप इंस्टॉलिंग लेगा, इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन हो रहा है। देखिए दोस्तों अब आगे हम सेटिंग करेंगे इसका। सबसे मेन इसका सेटिंग करना ही है फॉर्मेट मारने के बाद किसी भी मोबाइल को। अगर फॉर्मेट मारने के बाद सेटिंग नहीं जानते हैं तो आप फॉर्मेट मोबाइल को ना मारें। देखिए फ़ोन मेरा अब चालू होने वाला है, तो देखिए दोस्तों फाइनली मेरा फ़ोन चालू हो गया। अब देखिए दोस्तों मेरा होम स्क्रीन अब ऐसा आ गया। अब इसको करना क्या है, देखिए इसमें इमरजेंसी कॉल एसबिलिटी है, लेट्स गो है मैं, इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए रोक दीजिए, इतना रोक दीजिए। अब देखिए इसको हम सेटिंग मारेंगे दोस्तों, सेटिंग ध्यानपूर्वक देखिए, ये सब को हम करेंगे सिलेक्ट। देखिए दोस्तों अब इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ स्किप कर लेंगे, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट के बाद स्किप को लेटर। फिर करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट, नेक्स्ट,
अगर मुझे पासवर्ड लगाना है तो यहाँ पासवर्ड लगाएंगे, नहीं लगाना है तो स्किप कर देंगे। हमें पासवर्ड लगाने का भी नहीं है तो स्किप हम कर देंगे। स्किप कर दिए, अभी देखिए यहाँ नेक्स्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको पूरा सेटअप मैंने M01 को बताया, और सबसे महत्वपूर्ण सेटअप ये होता है फॉर्म कॉल फेयर रिस्टोरेंट करने पे। दोस्तों फाइनली मेरा फॉर्म सेटअप हो गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थोड़ा क्लियर।